हेलो टू ऑल। जो कन्फ्यूजन था सीबीएसई के 12th क्लास के एग्ज़ाम्स के बारे में 2021 के, वो अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और ये कन्फ्यूजन अभी चलता रहेगा, ठीक है, टिल द एंड ऑफ द 31st ऑफ मे। और 1st ऑफ जून को लगता है कुछ चीज़ें फाइनली क्लियर होकर आएंगी। तो मीटिंग में आज जो समराइज हुई चीज़ें वो क्या हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी इस वीडियो में। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने स्टेट्स से फीडबैक मांगा है बाय 25th ऑफ मे, ठीक है, कि वो अपने फीडबैक दें जो उनके अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शंस हैं, वो किस तरीके से इस सिचुएशन पे अपने व्यूज़ रखना चाहेंगे, राइट। उसके बाद में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो फाइनल डिसीजन लेगी सारी चीज़ों को देख करके, और स्टूडेंट्स को 1st of June या उससे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इस बारे में जो भी फाइनल डिसीजन आएगा। सो अभी जो CBSE बोर्ड ने ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री को, वो ऑप्शंस क्या हैं उसको मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ। तो CBSE बोर्ड ने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, और पहला ऑप्शन ये है कि बोर्ड चाहता है कि एग्ज़ाम को वो कराएं, और उसके लिए उन्होंने 3 मंथ का टाइम पीरियड मांगा है, जिसके अंदर 1 मंथ ऑफ प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़, एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड एंड ऑल सारी चीज़ें, ठीक है, कुछ के प्रैक्टिकल्स भी पेंडिंग हैं स्कूलों में तो उसके लिए, देन 1 मंथ ऑफ एग्ज़ाम एंड 1 मंथ ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट। सो टोटल 3 मंथ के लिए उन्होंने बोला है कि हमको ये सब कंडक्ट करने के लिए 3 मंथ्स जो हैं वो टाइम पीरियड लग जाएगा। देन अनदर 30 डेज फॉर द कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, तो इसमें भी 30 more days, यानी कि टोटल देखें तो 4 मंथ का टाइम पीरियड अगर हम कंपार्टमेंट को भी इंक्लूड करते हैं उस एग्ज़ाम के लिए भी। और उसमें भी बोर्ड ने कहा है कि सब्जेक्ट्स जो हैं जिसके एग्ज़ाम वो लेना चाहता है वो मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम कराना चाहता है CBSE बोर्ड, और जो ऑप्शनल कुछ सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर जो मार्क्स हैं, जो मेजर सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस होगी, जो मार्क्स स्कोर करेंगे स्टूडेंट्स उनके बेसिस पे, ठीक है, दिए जाएंगे, ये CBSE बोर्ड ने बोला है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन उसने दिया है बोर्ड ने कि जो एग्ज़ाम है उसको शॉर्ट कर दिया जाए, जैसे 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था पहले, हम जो बोर्ड के मेन सब्जेक्ट्स हैं उसको जो है 90 मिनट्स का कर दिया जाए, यानी कि 1.5 घंटे का कर दिया जाए। और उसके अंदर भी बोर्ड ने कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि सब्जेक्टिव ना करके उसको ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए। तो फाइनली अभी कुछ मैं ये नहीं बोलूँगी डिसाइड हो गया है, अभी 100% डिसीजन किसी भी चीज़ पे नहीं हुआ है फाइनली, फिर जो है चीज़ें अभी मिडल में ही हैं, स्टूडेंट्स अभी भी कन्फ्यूजन में हैं, तो चीज़ें ओवरऑल बिल्कुल 100% सही तरीके से अभी भी निकल के नहीं आई हैं। बोर्ड कह रहा है कि कुछ जो है जो एग्ज़ाम हैं उनका टाइम जो है शॉर्ट कर दिया जाए, 90 मिनट्स कर दिया जाए, मेन सब्जेक्ट्स में उनका लिया जाए एग्ज़ाम जो है, और 5th और 6th ऑप्शन जो है, ठीक है, उनको जो है एसेस कर लिया जाए उनके बेसिस पर, जो एग्ज़ाम्स का, जो मेन एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आएगा उसके बेसिस पर। द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड एट डेजिग्नेटेड सेंटर्स। और इसमें एक ऑप्शन और भी बोर्ड ने दिया है, ठीक है, वो सजेशन दिया है कि जो एग्ज़ाम है वो स्कूल्स में ही, जो अपने इंडिविजुअल स्कूल्स हैं उसी के अंदर करा दिए जाएं। तो अभी सजेशंस आए हैं, ये कुछ फाइनल 100% कुछ भी इसमें अभी डिसाइड नहीं हुआ है, एंड 1st of June तक ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी जो अभी मीटिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग। अब ये नहीं पता कि इसको और फर्दर डिले कर दिया जाएगा इस बारे में कि 1st of June तक भी फाइनल डिसीजन आएगा या नहीं आएगा। जैसे भी, जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी अपने व्यूज़ जो हैं इस बारे में। और ये हैं कि जो CBSE बोर्ड ने सजेशंस दिए हैं अपनी तरफ से, तो देखो आप अपनी तैयारी रखिए, बिकॉज़ ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम से अनाउंस होगा और आप बोलेंगे कि अभी तैयारी हम करेंगे, तो थोड़ा पढ़ते रहिए। और इवन दो आगे के एग्ज़ाम्स भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो नंबर तो वहाँ भी तभी आएगा जब पढ़ाई करोगे, तो ये इस बेसिस पे मत बैठ जाओ कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं,
अगर 100% ये कंफर्मेशन आ जाएगी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, ठीक है, तो मैं अपने चैनल पे आपको इस बारे में बता दूंगी। अगर 100% कंफर्मेशन आती है कि कैंसिल होंगे, अभी ऐसी कोई सिचुएशन बनती नज़र नहीं आ रही है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं कैंसिल हो गए हैं। अभी सजेशंस मांगे जा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स से और डिफरेंट जो है अदर अथॉरिटीज़ से, बोर्ड से भी सजेशन मांगे जा रहे हैं। सो उस बारे में और बेस्ट ऑप्शन उसमें सेलेक्ट किया जाएगा कि क्या तरीका हो सकता है जिस बेसिस पे एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा सकते हैं, ताकि बच्चों को जो है एक सेफ्टी के साथ में जो है एग्ज़ाम जो वो दे पाएँ। और ये चीज़ों को अभी टैकल किया जा रहा है और विद इन अ वीक मेरे हिसाब से जो है इस बारे में जो है बहुत अच्छे से जो है डिसीजन आ जाएगा एंड मैं आपको अपडेट करा दूंगी। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। थैंक्स फॉर कनेक्टेड ऑन माय चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक द वीडियो। मैं फर्दर भी और जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो है देती रहूँगी जैसे ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी।